विश्वास के साथ कहते हैं कि 5 साल के बाद मैं, मेरे लिए मतदान इस जिले के लोग मांगेंगे। लोग कह रहे हैं कि अगर चुनाव जीतेंगे तो फिर भागलपुर जाना होगा। राजेश वर्मा, राजेश वर्मा जमीन उमीन देख के रखे हैं, राजेश बनाएंगे कि नहीं? राजेश वर्मा के परिवार के लोग यहाँ रहते हैं और मैं यहाँ आने के बाद अभी तक अपने परिवार के लोगों से भी नहीं मिला हूँ, लोगों के बीच में हूँ और साथ ही साथ परिवार के लोग और यहाँ के स्थानीय कुछ लोगों ने ही मिलकर मेरे लिए एक जगह भी तय कर दी है। तय कर लिया, तो जगह तय है। चुनाव के बाद हम लोग घर के निर्माण का काम भी शुरू करेंगे और यहीं पर अपना आवास बनाएंगे, यहीं पर अपना घर बनाएंगे। बेरोजगारी आपको नहीं लग रहा है ये कोई मुद्दा है? नहीं देखिए, मुद्दा बेरोजगारी जिस आप बोल रहे हैं बिल्कुल है मुद्दा, ये बहुत प्रमुख मुद्दा है और इस पर हमारे प्रधानमंत्री जी कार्य नहीं कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। निरंतर स्टार्टअप इंडिया के पीछे का सोच ही उनका वही था और स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, ये सारे जो उनके मुहिम थी उसके पीछे का कारण ही, महत्वपूर्ण कारण यही था। आप एकदम चीज़ों को नहीं बदल सकते, 70 साल में किए गए अच्छे और बुरे कामों का को सही करने में आपको वक्त लगता है और अभी 10 साल के 10 साल के अंदर जो उन्होंने किया है, चाहे वो एम्स आप देख लीजिए, कितने एम्स अस्पताल जो पूरे देश भर में जो है निर्माण हुए, कितने एयरपोर्ट शुरू हुए, कितने स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट जो है वो धरातल पर। तेजस्वी यादव बिहार में कह रहे हैं कि उन्होंने 17 महीने की सरकार में नौकरी की भरमार लगा दी और हर सभाओं में वो कह रहे हैं कि अगर हमारी सरकार बनेगी, इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, पूरे देश में 1 करोड़ सरकारी नौकरी देंगे। ये तो बड़ा आश्चर्य लगता है मुझे कि ये चुनाव जो हो रहा है इसमें पहले प्रधानमंत्री कौन है तय हो जाए, क्योंकि मैनिफेस्टो कौन स्टेट वाइज, बहुत सारे चेहरे हैं, स्टेट वाइज मैनिफेस्टो लॉन्च होता है क्या कहीं पर? मैनिफेस्टो जब लॉन्च होता है, जब देश का चुनाव हो रहा है तो मैनिफेस्टो एक आदमी लॉन्च करेगा कि हर देश ने भी जो है अपना मैनिफेस्टो जारी किया है? वही तो समझ में नहीं आ रहा है, वही तो समझ में नहीं आ रहा कि मैनिफेस्टो हर पार्टी लॉन्च कर रही है, जबकि हमारे यहाँ से एनडीए के इंटेक्ट का, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का एक मैनिफेस्टो है, यहाँ हर पार्टी अपना मैनिफेस्टो बना रही है। इसका मतलब समझिए कि कितने लोग प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं अंदर ही अंदर। तो जब अंदर ही अंदर इतने उम्मीदवार हैं तो आप समझिए जीतने के बाद स्थिति क्या होगी, क्या ये साथ रहने वाले हैं क्या? अपने यहाँ पे राजेश जी तीसरे चरण में चुनाव है और पहले चरण के जो है वोटिंग होने वाले हैं, क्या कहना चाहेंगे? कल का परिणाम आपको दिख जाएगा कि एनडीए गठबंधन पूरी तरीके से किस तरीके से क्लीन स्वीप होगा। जो जो भी टसल आपको दिख रहा है ना, या जो भी जिस भी सीट पे आपको लग रहा है, चुनाव अंतिम आते 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 वो सारा टसल दूर दूर तक कहीं नहीं, क्योंकि वो टसल की जो चर्चा है उसे महागठबंधन के लोग कर रहे हैं, बाकी वास्तविकता में कहीं नहीं। जहां हम और आप एक तरफ आजादी के 75वां अमृत महोत्सव मना रहे हैं, चांद पर जाने की बात कर रहे हैं, खगड़िया कैसे भी बहुत सारे परिवार हैं जिनके पास 2 गज जमीन नहीं है, पक्के के छत नहीं है अपने सर को छुपाने के लिए, वो कितनी बड़ी चुनौती होगी जो सरकार की जो जमीन मिलाने वाली जो योजना है? मैं उस पीड़ा को महसूस किया जब मैं मथार गया था, वहाँ पर आग लगी हुई थी, बहुत सारे घर जल गए थे, तब मुझे समझ आया कि घर पर छत होना वो कितनी जरूरी है और पक्का का मकान होना कितना जरूरी है। और मुझे इस बात की भी खुशी हुई कि भागलपुर में बतौर डिप्टी मेयर हम लोगों ने लगभग 250-300 परिवार को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास बनाने का काम कराया था। तो मुझे लगता है यहाँ पर जनप्रतिनिधि, जनता और केंद्र की योजना के बीच में जो जनप्रतिनिधि की भूमिका होती है, वो उस भूमिका में कहीं ना कहीं अभाव रहा, वरना उनको उनका हक और अधिकार मिलता और आज सबके पक्के का मकान। ये हक अधिकार कैसे दिलाएंगे राजेश वर्मा, क्या रोड मैप? जैसे पहले दिलाता आया हूँ, आवाज बुलंद करूंगा, इनके आवाज बनूंगा। 50 साल की मुर्दा राजनीति पे विश्वास नहीं करता हूँ, 5 साल की जिंदा राजनीति पे विश्वास करता हूँ। बिल्कुल, जो है शब्दों के जो चयन में इनका जो एक अट्रैक्शन है, जस्ट लाइक मोदी जी के स्टाइल में जो बातों से आप खुश कर रहे हैं, क्या ये धरातल पर उतर पाएंगे? ये तो समय बताएगा, सिर्फ बातों से ही खुश होना पड़ेगा आप लोगों को। यही मैं कह रहा हूँ कि कुछ बातें जो है वो समय पर छोड़ देनी चाहिए, समय पर। हाँ, और मुझे लगता है कि जितना विश्वास अभी लोग कर रहे हैं 5 साल के बाद आप देखिएगा। हम आपको विश्वास के साथ कहते हैं कि 5 साल के बाद मैं, मेरे लिए मतदान इस जिले के लोग मांगेंगे। लोग कह रहे हैं कि अगर चुनाव जीतेंगे तो फिर भागलपुर जाना होगा। राजेश वर्मा, राजेश वर्मा जमीन उमीन देख के रखे हैं, राजेश वर्मा के परिवार के लोग यहाँ रहते हैं
और मैं यहाँ आने के बाद अभी तक अपने परिवार के लोगों से भी नहीं मिला।